तो हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नई वीडियो में। तो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चंद्रलेखा। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ चंद्रलेखा स्टोरी टाइम पार्ट 7। तो गाइस, आपको चंद्रलेखा पार्ट जो है चंद्रलेखा स्टोरी टाइम अच्छी लग रही होगी ऐसा मैं होप करता हूँ। तो गाइस, आगे की स्टोरी अब कंटिन्यू करते हैं हम अपनी। तो गाइस, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने सुना कि चंद्रलेखा उन पर कुछ जादू कर देती है और वो जितने भी फिल्म के बनाने वाले जितने भी टीम मेंबर्स अगर रहते हैं सब अपना वश खो देते हैं और आत्मा बन जाते हैं सैलानी आत्मा और रतनपुर से निकल जाते हैं घटियापुर के लिए क्या नाम रखा मैंने घटियापुर के लिए, और चंद्रलेखा उन लोगों का इंतज़ार करने लगती है। तो अब इसके आगे की स्टोरी अब आपको सुननी पड़ेगी, यहाँ से ऑब्वियसली सुननी पड़ेगी। यार वीडियो छोड़ के मत जाना यार, बहुत अच्छी और हॉरर स्टोरीज मैं सुना रहा हूँ, जैसे भी लग रही है लाइक जरूर करना वीडियो को। तो चलो तब अपनी स्टोरी अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, अब यहाँ से सारे लोग घटियापुर की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो लोग पहुँच गए थे घटियापुर। तो गाइस, वहाँ पे जाते के साथ उन्होंने देखा कि गाँव पूरा शांत है, ऐसे नहीं थे, बहुत सारे लोग वहाँ रहते थे, सब अपने घरों में थे। दोपहर का वक्त था, सब बैठ के अपने घरों में खाना वगैरह खा रहे थे। अचानक से उनके गांव में हड़कंप मच जाती है, जितने भी उनके खाने के वगैरह धान वगैरह जितने भी चीज़ें थे ना, सब इधर उधर बिखर जाता है, सब ख़त्म हो जाता है। खाने के जितने भी चीज़ें उन्होंने रखे थे, पेड़ में जितने में फल वल लगे रहते सब गिरने लगते हैं और बहुत कुछ होने लगता है जिसके कारण नहीं हो पाता है उनका कुछ भी। तो गाइस, तो फिर वहाँ पे उन्होंने देखा कि सब गांव वाले बाहर निकल गए, देखा कि बहुत सारे अजीब से दिखने जॉम्बी जैसे दिखने वाले लोग हमारे गांव की तरफ आ गए हैं और हमारे पूरे गांव को तोड़ रहे हैं, घर को तोड़ रहे हैं। तो फिर उन्हीं से एक वहाँ पे एक तांत्रिक भी रहता था, तो तांत्रिक ने पूछा कि क्या कर रहे हैं आप लोग। तो एक उन्होंने टीम मेंबर ने तांत्रिक को धक्का मार दिया, बोला तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते, तुम भी चंद्रलेखा की जनरेशन हो। तो तांत्रिक को याद आ गया कि चंद्रलेखा कौन थी और वो बहुत पढ़ा, मतलब कि बहुत खतरनाक तांत्रिक था, कुछ भी कर सकता था वो। और वो समझ गया कि चंद्रलेखा का बदला लेने आए हैं लोग। तो सारे गांव वालों को पता था चंद्रलेखा कौन है, तो सब एक जगह पे इकट्ठा हो गए और एक जगह पे जाकर छुप गए। और तांत्रिक बाबा उन सबको बताने लगे कि चंद्रलेखा की आत्मा का बदला लेने आए हैं ये लोग, इन लोगों से थोड़ा बच के रहना होगा, ज़रूर चंद्रलेखा हम लोगों को बुला रहे हैं वहाँ अपना बदला लेने के लिए। जिन लोगों ने चंद्रलेखा को मारा था वो तो जिंदा नहीं है, पर चंद्रलेखा हम लोगों को मार कर अपना बदला पूरा करने का सोच रही है। तो चंद्रलेखा यही चाहती थी कि वो लोग तो जिंदा नहीं है, कम से कम ऐसे इस जनरेशन को ख़त्म कर दूँ और इन लोगों को मार डालूँ। तो गाइस, इसकी आगे की स्टोरी अगली वीडियो में। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ जल्द ही आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।